हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूंगा सब एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, वीडियो के अंदर बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर। दोस्तों, 2020 की पहली किस्त, जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त अब देखो एक साथ वितरण की जाएगी। पहली किस्त 19 वाली नहीं दोस्तों, 2020 की पहली किस्त। इसमें देखो एक साथ सभी किसानों को पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। तो दोस्तों, हम पूरी बात आपको वीडियो के अंदर बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। मगर उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और सब्सक्राइबर के बगल में जो बेल का आइकन है को भी जरूर प्रेस कर दे, ताकि हम कोई भी सरकारी योजना की वीडियो डाले और लेटेस्ट न्यूज डाले तो उसकी जानकारी अपने आप आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। किसानों को आर्थिक मदद देने वाली मोदी सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक दिन में 10,000 करोड़ रुपए बांटने की तैयारी हो गई है। यह पैसा देश के 5 करोड़ किसानों को मिलेगा। यह पैसा एक बार में इतने किसानों को बैंक खाते में सीधा भेजा जाएगा। देश में इतना बड़ा पैसों का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अभी तक नहीं हुआ है और जैसे यह ट्रांजैक्शन हो जाएगा यह अपने आप में एक रिकॉर्ड बन जाएगा। लेकिन यह पैसा सभी किसानों को नहीं मिलेगा। सरकार ने इसके लिए एक शर्त भी रखी है, अगर किसान इस शर्त को पूरी करेगा तो ही उसको पहली किस्त का पैसा मिलेगा। मोदी सरकार ने किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं। यह पैसा साल में 3 किस्तों में दिया जाता है। हर किस्त में सरकार किसानों के बैंक खाते में सीधे 2,000 रुपए भेजती है। पिछले साल 3 किस्तों का किसानों को भेजी जा चुकी है। अब साल की पहली किस्त भेजने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पहला चरण देखो 2019 का समाप्त हो चुका है। उसमें पहली, दूसरी, तीसरी किस्तों का वितरण कर दिया गया है। अब दूसरे चरण में 2020 की पहली किस्त का वितरण होने जा रहा है। नए साल शुरू होने के बाद 3 जनवरी को किसानों को यह पैसा दिया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में से एक समारोह के दौरान किसानों के खातों में एक बटन दबाकर 10,000 करोड़ रुपए 5 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में भेजेंगे। दोस्तों, पिछला वाला पैसा गोरखपुर से भेजा गया था उत्तर प्रदेश से, अब की बार बेंगलोर से पैसा भेजा जाएगा। यह पैसा देश के सभी किसानों और सभी राज्यों को दिया जाएगा। केवल उन राज्यों के किसानों को इसमें शामिल नहीं होंगे जहाँ की सरकारों ने अभी तक इस स्कीम को लागू नहीं किया है। जैसा कि उदाहरण के तौर पर है वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल ने अभी तक इसको लागू नहीं किया है। पीएम किसान योजना के तहत शुरू में जिन किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था उन सभी को इस योजना का पैसा दिया जा रहा था। लेकिन अब सरकार ने पीएम किसान योजना का पैसा लेने के लिए आधार से लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया है। जिन किसानों ने अभी तक अपना आधार नंबर अपडेट नहीं किया है उनको इस बार पैसा नहीं मिलेगा। अब आगे से केवल उन्हीं को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलेगा जो आधार नंबर अपडेट करा देंगे। यही कारण है कि इस बार यह पैसा 5 करोड़ किसानों को ही मिल पाएगा। बाकी किसान तक तभी यह पैसा पहुंचेगा जब वो आधार कार्ड अपना बैंक अकाउंट से लिंक करवा लेगा। पीएम किसान वेबसाइट के अनुसार 8.4 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना की पहले किस्त मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अब चौथी किस्त जो मिलेगी वो लगभग 8.4 करोड़ किसानों को मिलेगी। वहीं इस बार 5 करोड़ किसानों को यह पैसा दिया जाएगा। इस प्रकार करीब 3 करोड़ से ज्यादा किसानों को यह पैसा नहीं मिलेगा। इन किसानों ने अभी तक पीएम किसान योजना के लिए अपना आधार नंबर नहीं दिया है। यह किसान जब तक अपना आधार नंबर योजना में अपडेट नहीं कराएंगे उनको पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको देखो अपना आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक करवाना होगा। हम भी देखो आपको बार बार वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि आपको आधार कार्ड अपने बैंक अकाउंट से लिंक करवा लो, तभी देखो आपको जो 2020 की वो पहली किस्त है वो मिलेगी। और दोस्तों, जो कई लोगों की तीसरी किस्त भी अटकी हुई है वो भी देखो तभी मिलेगी, तब आप अपना बैंक अकाउंट से आधार नंबर लिंक करवा लोगे। और बैंक अकाउंट और आधार नंबर में देखो स्पेलिंग भी आपकी एक जैसी होनी चाहिए, चाहे आपका नाम हो चाहे आपका पिता का नाम हो। और दोस्तों, पीएम किसान योजना का स्टेटस देखने के लिए और अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो उसका फॉर्म भरने के लिए हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप वहां से अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हो कि आपको चौथी किस्त मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो देखो पीएम किसान योजना का हेल्पलाइन नंबर भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उस लिंक को ओपन करके चेक कर सकते हो। और दोस्तों, आप अपनी कमेंट में राय जरूर दे, क्या आपको चौथी किस्त मिल चुकी है या फिर नहीं मिली है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय भारत।